हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है यार आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो वेलकम बैक हो गया जी आप लोगों का हमारे डेली रूटीन के एक न्यू ब्लॉग के अंदर। अभी मैं फार्म पे आया हूँ तो ना मुझे अंकल है ना एक बात बताइए। वो क्या बताइए कि रात को जो है ना बिल्ली आई हुई थी और इस दरवाजे पर खड़ी थी, तो इनका हमने कहीं और इंतज़ाम करना आज, या तो पहले पिंजरे में छोड़ देंगे या इनका ना कोई और इंतज़ाम कर देंगे, क्योंकि एक तो इसका ये बॉक्स वाला भी मसला है, ये वाला मसला हल कराएंगे और इसका डोर का भी मसला है, सही तरह ना बंद नहीं होता और यहाँ पे जो है ना लॉक नहीं फंसता। पहले फिर भी जोर लगा के फंस जाता था, अब नहीं फंसता। तो इसका ना इनको एक दो दिन हम लोग बंद रखेंगे किसी और पिंजरे में, या वैसे ही इनको कहीं और बंद करना शुरू कर देंगे। तो एक दो दिन तो तंग करेंगे फिर आदि हो जाएंगे। अभी जो है ना हमने ये पानी भरना, अब तो तीन चार बर्तन ही रह गए हैं। वो वाली मुर्गी भी जो है ना आज सुबह से हमने ना खुलवा देनी है, यानी कि इन्हीं के साथ खुले फिरती रहेगी। यार ये अभी तो चल रहा है लेकिन अभी भी यूपीएस जो है ना वो बोल रहा है इसी, तो मतलब ये है कि हमें जो है ना उनको बुलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, तो वो आएंगे तो ही वो सही करके जाएंगे। अभी तक ये नहीं, उम्मीद थी सही हो जाएगा, असल में उसका बटन जो है ना वो अंदर घुसा हुआ है। अगर वो सही होता ना फिर भी हम कर लेते, लेकिन उसका बटन एक बार रीस्टार्ट करते तो सही हो जाता, लेकिन वो बटन ही नहीं दब रहा उसका ना। इन सारों को जो है ना मैंने पानी डाल दिया है बस, और तो कोई काम नहीं है, फीड वगैरह सारों के पास पड़ी है। और इन दो और ये यानी बाकियों को कुछ टाइम तक तकरीबन आधे पौने या घंटे डेढ़ तक जो है ना अंकल खोल देंगे, तो उसके बाद जो है ना ये भी दाना पानी बाहर से कर लेंगे। तीन चार दिन हो गए हैं मैं जो है ना पीछे नहीं आया ना, मैं जो है ना स्काय के बच्चे के पास आया। इस टाइम जो है ना ये खुला हुआ होता है अपनी माँ के पास, सुबह जब दूध निकालते हैं ना तो उसके बाद इसको यहीं पर खुला छोड़ देते हैं, फिर शाम से थोड़ा सा पहले मेरे ख्याल से दोपहर को इसको ना वापसी वहाँ पे बंद कर देते हैं, ताकि ये जो है ना शाम का सारा दूध ना पी जाए, क्योंकि बच्चा इसको नहीं पता कितना पीना है कितना नहीं पीना, तो इसको इसके लिए जितना चाहिए होता है ना इसको सिर्फ उतना ही पीने के लिए बचा देते हैं। और आज जो है ना डर रहा है मेरे से, मुझे देख के पीछे भाग गया अपनी माँ के पास। तीन चार दिन कोई मैं नहीं आया ना इसके पास, ये देखे मेरे से दूर भाग रहा है, डर रहा है मेरे से। अरे कुछ नहीं कहता तुझे, डर नहीं छेड़ते इसको आदत, वैसे तो था अगर डेली आते तो इसको ना अब तक आदत हो जाती है, ऐसे ना भागता हमारे पास से। आ जा भागता फिर रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है जिस तरह ये भागता फिर रहा है पूंछ उठा के, और कभी इधर और कभी उधर। लेकिन थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि ये मेरे से डर क्यों रहा है। अभी अपनी माँ के पास खड़ा है तो मैं जो है ना इसको आराम से प्यार कर रहा हूँ, और ये अब जो है ना कहीं पे भी नहीं भाग रहा। पहले मैंने इसकी माँ को प्यार किया इसके सामने, फिर जो है ना ये मेरे से नहीं डरा, बस ये जो है ना थोड़ा सा खेलने के मूड में। तो यार अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया और मैं जो है ना फार्म पे आ चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा मौसम जो है ना इस साइड से ख़राब हो रहा है। इस साइड से तकरीबन अभी 15-20 मिनट में अंधेरी आने लगी है, तो जल्दी जल्दी हम ना इनको सबसे पहले बंद कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना इनका ये पानी वगैरह निकालेंगे। फिर ना मैं बस इनको अभी भी पीछे से लेके आया, और इतने में ही ना अंधेरी काफ़ी देर शुरू हो गई है। अभी ये तकरीबन केज के बाहर ही है, और एक मैंने अभी चूज़ा देखा पॉलिश वाला, वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंगड़ा चल रहा है, उसको भी जो है ना हमने के देखना है कि उसको क्या हुआ है। बाकी ये भी तकरीबन चारों चले गए हैं अंदर। चलो चलो चलो, कितने इधर एक मुर्गी कम है, इधर की एक मुर्गी ढूंढते हैं। और ये चूजा ये वाला है, देखता हूँ अभी जोन सा लंगड़ा चल रहा होगा वो अंदर बैठा है, उसके ना पाँव पे मेरे ख्याल से हाँ रस्सी बंधी हुई है, वो हमने छुड़वानी है। मैंने इसको पकड़ लिया और काफ़ी ज़्यादा टाइट इसके ना रस्सी बंधी हुई है, इसको ना जल्दी जल्दी ना छुड़वा लेते हैं। इसकी रस्सी छुड़वा के मैंने उसको ना छोड़ दिया है, अभी जल्दी जल्दी ना इनको बंद कर लेते हैं। और एक मुर्गी यहाँ से मेरे ख्याल से पीछे फिर रही है, और एक जो है एक दो यहाँ से, इनको भी जो है ना हमने फिर वो करना है। ये तो सारे गए, बस ये बतख वाला रह गया। चलो भाई चलो 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 अंदर 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 अंदर, और ये भी गया है ना अंकल, गए हुए अंदर और इन सारों को पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये इन सारों को हमने बंद करना है उस वाले पहले पहले केज के अंदर, तो इसलिए वहाँ पे बंद हो जाएंगे। उसके बाद कल सारा दिन इनको ना वहीं पे बंद रखेंगे, और उसके बाद जो है ना फिर ये कल सारा दिन वहीं बंद रहेंगे, और उसके बाद आदि हो जाएंगे। मैं इनका पानी निकाल रहा था तो मुझे ना एक चीज़ नज़र आई है, और वो क्या है कि सिल्की ने इस बार अपना पहला अंडा दे दिया है। ये उठाते हैं और इसको जाके रख के आते हैं इनक्यूबेटर के अंदर। अभी सिल्की का ना मैंने अंडा रख दिया, और मैंने टेम्परेचर जो देखा वो जो है ना 40 पे पहुंचा हुआ था, अब जो है ना 38.4 पे आ गया। थोड़ी देर इसको खुला रहने देते हैं, और यानी जब ये 37 तक आ जाएगा ना, या जब इसका बल्ब जल जाएगा तब इसको बंद कर देंगे। बाकी पानी इसका थोड़ा है शायद, तो पानी भी इसका हाँ जी थोड़ा है, ये भी और डाल देते हैं।
अभी ना इसके ना बल्ब जल गया तो इसको ना बंद कर देते हैं ताकि जो है ना टेम्परेचर दोबारा से ये बंद हो जाए और ये नॉर्मल रहे। देखें बंद हो गया, अब जो है ना टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। बाकी यूपीएस सही करवा लिया था और यूपीएस सही करवा लिया था इसी वजह से जो है ना अभी ये चल रहा है, वरना अभी लाइट नहीं है क्योंकि अंधेरी आ रही है। आपको पता है पाकिस्तान के हालात, जब अंधेरी है बारिश आए तो लाइट चली जाती है, वही सीन है अभी भी। ना मैंने सारे बर्तन भी जो है ना पानी वाले वो वहाँ पे रख दिए हैं क्योंकि अंधेरी आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बर्तन उड़ सकते हैं, तो वो जो है ना मैंने वहाँ रख दिए। सुबह आके निकाल के इन सारों को पानी डालेंगे। अभी यहाँ पे जो है ना एंड करते हैं अपना ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन दबा दें ताकि जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपसे किसी तरह पहुँचती रहे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल मिले एक न्यू ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।